तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि दोस्तों यहां पे आप सभी लोगों ने अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लिया है और आप सभी लोग उसको PDF फाइल बनाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट को PDF फाइल में कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट को PDF फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको अडोबी लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पे आप अडोबी लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे मैं अडोबी लिख के सर्च कर लेता हूँ सबसे पहले। तो अडोबी स्कैन लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन आएगा। तो इसको आप जो है अपने फ़ोन में जो है डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो उसको गैलरी में जाइए। यहाँ पे आने के बाद जो भी फ़ोटो को आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऊपर की ओर राइट का आइकॉन है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी स्क्रीनशॉट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसको PDF फाइल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको सेव PDF पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव PDF पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे अब आपको इसको गैलरी में सेव करना है। तो गैलरी में सेव करने के लिए आपको मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से फाइल में यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो PDF फाइल है दोस्तों आपके फ़ोन में जो है सेव हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप जो है स्क्रीनशॉट को PDF बना सकते हैं और अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।